सभी विद्वान साथीगण और प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके समक्ष गोपाल दास जी नीरज द्वारा रचित जीवन नहीं मरा करता है काव्य का पाठ करूंगी। यह आज के समय में खास उपयुक्त कविता है, क्योंकि आजकल के समय में हम सारों के पास धीरज की बहुत कमी है। जरा सी बात बिगड़ जाती है तो हम अपना आपा खो देते हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, थोड़ा सा रिजल्ट बिगड़ जाने से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, और इस तरह की कई नकारात्मक प्रवृत्तियां हम सारों के हृदय में जन्म ले लेती हैं। इन सभी के उत्तर के लिए यह एक अकेली कविता है, जो कभी भी आप निराश या हताश हो, परेशान हो, तो गुनगुना सकते हैं और ये आपकी सारी शंकाओं को समाप्त कर देगी। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है, सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, माला सपनों की माला अगर बिखर गई तो क्या हुआ, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर्मी लाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। आंगन की शोभा दीपकों से होती है, और अगर उनमें से कुछ दीपक मर जाए, हमारी जिंदगी में कई हमारे प्यारे परिवार के सदस्य, कई हमारे प्यारे लोग होते हैं, दुर्भाग्य से कभी हमारा उनसे साथ छूट जाता है, परंतु कभी किसी के जाने या आने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती, हर चीज चलती रहती है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, जैसे कि लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वही तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम की उम्र यानी हमारे नकारात्मक प्रवृत्तियां, हमारी उदासी का स्वभाव, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे कोशिश पत झड़ पर, सावन नहीं मरा करता है। लूट लिया ना लीने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों ने तक छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई झूल की। नफरत गले लगाने वालों, कई बार जिंदगी में लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उनके स्वभाव में नफरत अपने आप आ जाती है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है, दर्पण नहीं मरा करता है। धन्यवाद।